नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल राइट न्यूज़ दिल्ली के लिए और मैं बरेली से आशु बेद। जैसा कि आपको पता है कि दो दिन से इस्लामिया ग्राउंड में धरना चल रहा था, आज किन्हीं बातों से वो धरना ख़त्म हो गया है। वो ख़त्म जैसे ही हुआ आज़ाद इंटर कॉलेज में धरना वहाँ पर चालू हो गया है। हम आज मौजूद हैं आज़ाद इंटर कॉलेज में, आप देख सकते हैं लगभग 10:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि पब्लिक का पूरा हजूम लगा हुआ है। पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात है और शांतिपूर्वक से यहाँ पर धरना चल रहा है। हम यहीं पर धरने पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बात करते हैं और आपको दिखाते हैं ये धरना किस लिए रखा गया है और क्यों रखा गया, क्या इनकी मांग है। क्या नाम है आपका भाई, बताइए। ये धरना जो चल रहा है उसमें आपकी क्या क्या मांगे और किस तरीके से ये धरना चलेगा आगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी यूपी का जो प्रशासन है, मैं उनके बारे में कहूँगा कि बंद करके बेगुनाहों को भी दिलवा दे सज़ा। है पुलिस के पास में नुस्खा अजब धुरपट दफ़ा। एक दिन जाता था कॉलेज क्यों पढ़ाने के लिए, शहर का दीवान मुझको मिल गया था रूपिए। थाम कर वो हाथ मेरा कसके से कहने लगा, जिसकी थी बरसों से तमन्ना आज साला मिल गया। मैंने कहा क्या है कुतूर मेरा, कीजिए मुझ पे तरस। उस पे ये दीनवान बोला रोज पीता है चरस। उसने मेरी एक ना सुनी, थाने मुझको ले गया, कैदियों की कोठरी में बंद मुझको कर दिया। उसका ये रोल था रिश्वत को पाने के लिए, पढ़ रहा था शेर वो मुझको डराने के लिए। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। ये हमने समर्थन किया क्योंकि तीन तलाक पे मुसलमान खामोश रहा। कोई भी और बाबरी मस्जिद का फैसला हाई सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मुसलमान खामोश रहा। लेकिन जब ये कानून आया है, इस कानून के ऊपर मुसलमान खामोश नहीं रहेगा, चाहे मरते दम तक। जब तक ये कानून हटेगा नहीं, मुसलमान आज़ाद इंटर कॉलेज से नहीं जाएगा। जैसा कि आपको पता है हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस कानून का हम खुल के विरोध कर रहे हैं और हम आप और हमारे साथ भाई जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका भाई? जैसे कि कल हमारी तौकीर मियां साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हम सीए का विरोध नहीं कर रहे हैं, सीए के तो हम फेवर में हैं। आप क्या कहना चाहते हैं ये बात को? देखिए, सीएए जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके विरोध में हम भी नहीं है। हेलो, जिस तरह वो विरोध में नहीं थे उस तरह हम भी विरोध में नहीं है। हम विरोध कर रहे हैं एनआरसी का, और सीएए में अगर विरोध कहीं पर किया जा रहा है वो सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि आपने उसमें नागरिकता सभी को मुस्लिम के अलावा सब, तो आर्टिकल 13 और 14 के वायलेशन है इसमें। उसमें ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान का रहने वाला हर नागरिक, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, जिस मज़हब का मानने वाला हो, जिस जाति से ताल्लुक़ रखता हो, हर किसी को अपना हक मांगने का अधिकार है। अब अगर आप यहाँ पर सीएए ला करके आपने अगर हुकूक छीने हैं और आपने नागरिकता देने की बात की है कि हम नागरिकता देंगे, लेकिन मुस्लिम समुदाय को वहाँ से अलग कर दिए, कोई बात नहीं, हम इससे खुश है कि आप ये लाएं। लेकिन एनआरसी पर हम इसलिए नाराज़ हैं कि यहाँ पर आप सभी से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो चलिए, हम बड़े घरों के हैं, हमारे पास सारे कागजात हैं, हमारे ख़ानदान पूर्वजों की मज़ारात हैं, हमारे पास तरह तरह के सबूत हैं, तो हम उसे पेश कर देंगे। लेकिन जो बेचारे हमारे भाई हर साल सैलाब में आते हैं, हर साल वो सैलाब की गिरफ्त में आते हैं, तो वो बेचारे अपने सबूत कहाँ से पेश कर पाएंगे। लिहाजा हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गरीब तबका भी है, हम उसके न्याय के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि हम आरसीसी का सीए का विरोध नहीं है, हम एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। जो उसके अंदर चेंज आ रहा है उसके हम विरोध में कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑल राइट न्यूज़ दिल्ली के लिए। मैं बरेली से धरना हट गया है, आज़ाद स्कूल में आया है और आज़ाद स्कूल में धरना चालू है और आप देख सकते हैं कि फोर्स कितनी तादाद में लगी आ गई धरने का। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और आप देख सकते हैं कि फोर्स के भारी मात्रा में यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। हालांकि अभी तक तो माहौल शांत है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।
लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है कि एक विरोध में यहाँ पर भारी मात्रा में